देखो यहाँ पर 9.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा था कि एक मीनार है और इस मीनार के बाद बिंदु से एक सरल रेखा पर दो बिंदु लिया गया सी और डी। सी और डी लिया गया जिसका दूरी 4 मीटर, सी 4 मीटर पर है और डी जो है 9 मीटर पर है। जिस बिंदु से इस मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना बोला था, पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, अगर दो कोण को जोड़ा जाए और वो 90 डिग्री आएगा तो उसको क्या बोला जाता है, पूरक कोण। एक हम लोग डी पर मान लिए थीटा तो दूसरा कितना होगा, अगर एक को मानेंगे थीटा तो दूसरा कितना निकलेगा, एक्स 90 थीटा इधर है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। मतलब कि एक अगर थीटा मानेंगे तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो डी पर थीटा मान लिए और सी पर क्या आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया। अब प्रूफ करने बोला है कि ये मीनार का जो ऊंचाई है ये 6 मीटर होगा, इसे प्रूफ करना है। तो मान लिए, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए भी दिया हुआ है, जो लास्ट में कितना आएगा 6 निकाल कर बताना है और मीनार की तल पर दो बिंदु सी और डी लिया गया है जो क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इस बिंदु से सी और डी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना लिए हैं, सी पर 90 में थीटा हो गया और डी पर कितना डिग्री है, थीटा है। तो अब इस छोटा वाला त्रिभुज में ले लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज में क्या होगा, 10 90 में थीटा होगा और यहाँ से इक्वल टू लंब बटे आधार 10 ले लेंगे। 10 क्यों लेंगे, क्योंकि ये दोनों में रिलेशन हमको बनाना है, यहाँ पर लिखना है। तो ये 10 लेंगे तभी तो यहाँ लंब बटे आधार आएगा, लंब बटे आधार है तो 10 ले लेंगे। ये 10 का त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसलिए यहाँ 10 90 में थीटा लिखे और लंब ए बी बटा में एसी होगा। यहाँ से ये 10 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा किस में, कोट में। 10 कोट में किसको लेकर आएगा, थीटा को, ठीक है। बराबर में यहाँ क्या होगा, एबी का एबी एसी कितना जाएगा, 4। यहाँ पर दिया हुआ एसी 4 4 बिठा दिए। फर्स्ट मान लेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज में ले लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी होगा, डी पर है थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री, ये पूरा कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है। तो 10 थीटा, क्योंकि यहाँ से ये लंब चाहिए और ये आधार चाहिए, लंब बटे आधार किस में आता है, 10 में। तो 10 ले लिए, यहाँ पर एंगल थीटा दिया हुआ तो यहाँ पर भी लिए थीटा, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एबी बटा एबी बटा एबी होगा। यहाँ पर यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, ये एबी और बटा में एबी होगा। 10 थीटा ए बी और बटा में एडी कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। 10 थीटा को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 1 बटा 4 थीटा होगा, 4 थीटा बराबर में एबी बटा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे में 4 थीटा का ये वैल्यू बैठा देंगे, यानी कि 1 बटा AB बटा 4 बैठा देंगे बराबर में एबी बटा 9 यहाँ था पहले से, केवल 4 थीटा की जगह वैल्यू बैठा दिए। 4 सबसे नीचे कहाँ चल जाएगा, ऊपर जाएगा। अब 9 इधर भागा भी जाएगा तो एबी गुना एबी क्या हो जाएगा, एबी स्क्वायर, और ये 4 9 कितना जाएगा, 36। इधर एबी स्क्वायर इधर स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो एबी किस तरह से 36 का रूट कितना निकलेगा, 6। एबी बराबर क्या आ गया, 6 मीटर। यानी कि एबी क्या था, मीनार की ऊंचाई, एबी मीनार की ऊंचाई था, वही यहाँ मीनार की ऊंचाई लिख दी, एबी बराबर 6 मीटर। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया।